बॉलीवुड की जानी मानी अदाकारा दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी के निधन को एक महीना पूरा हो चुका है। लेकिन आज श्रीदेवी के निधन के एक महीने के बाद जहां एक तरफ उनका परिवार, उनके पति, उनकी बेटियां उन्हें भूल नहीं पा रही, मायूस हैं, वहीं पर कोशिश कर रहे हैं एक नॉर्मल जिंदगी की तरफ बढ़ने की। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक, आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट। श्रीदेवी के निधन को आज एक महीना पूरा हो चुका है। इस मौके पर एक बार फिर उनकी बेटी जाह्नवी कपूर का दर्द ताजा हो गया है। वहीं पर बोनी कपूर, जो श्रीदेवी से बेहद मोहब्बत करते थे, वो एक बार फिर से गमजदा हैं। लेकिन इसी बीच पूरा कपूर परिवार धीरे धीरे अपने काम की तरफ लौट रहा है, और वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि सब किसी न किसी तरीके से श्रीदेवी की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हैं। जहाँ तक बात है बोनी कपूर की, तो धीरे धीरे वो अपने काम पर लौट रहे हैं ताकि परिवार को बिजी रखकर इस गम से दूर रख सकें। वहीं पर श्रीदेवी की बड़ी और लाडली बेटी जाह्नवी कपूर अपनी फिल्म धड़क की शूटिंग में लग गई हैं। जी हाँ, जाह्नवी कपूर अपनी फिल्म धड़क की शूटिंग कर रही हैं। हाल फिलहाल वो कोलकाता में है, जहाँ से कुछ दिनों पहले सेट से उनकी तस्वीरें वायरल हुई। हालांकि काफी टाइम से जाह्नवी कपूर जब भी स्पॉट की जाती हैं, जब भी तस्वीर में नजर आती हैं, वो मायूस और दुखी ही नजर आती हैं। लेकिन फिर भी जाह्नवी कपूर बिल्कुल भी नहीं चाहती कि उनके माँ के सपने में कोई भी कमी रह जाए। दरअसल जाह्नवी की फिल्म धड़क श्रीदेवी का सपना था। श्रीदेवी चाहती थी कि वो अपनी बेटी का डेब्यू देखें। वो बेटी की डेब्यू के लिए काफी एक्साइटेड थी। यहाँ तक कि धड़क की शुरुआत में शूटिंग के दौरान श्रीदेवी भी जाह्नवी के साथ जाया करती थी शूटिंग पर, और जाह्नवी को गाइड भी किया करती थी। लेकिन श्रीदेवी का ये सपना अधूरा रह गया कि वो अपनी बेटी का डेब्यू देख सके। वहीं पर जाह्नवी कपूर भी जहाँ एक तरफ अपनी माँ के भरोसे सारी चीजें कर रही थी, वो अब अकेली पड़ चुकी है। पर अब जाह्नवी कपूर ने अपनी माँ के निधन के कुछ दिनों बाद ही हिम्मत बांधी, अपने आंसू पोंछे और फिल्म धड़क के सेट पर लौट गई फिल्म की शूटिंग के लिए। पर इस बार जाह्नवी को शूटिंग के सेट पर वापस लेकर आया उनके जज्बे के अलावा उनकी माँ का सपना। माँ के निधन के एक महीने पर जाह्नवी कपूर का कहना है कि वो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने चाहती अपनी माँ के सपने से। जहाँ तक बात है छोटी बेटी खुशी कपूर की, तो वो भी जिंदगी में धीरे धीरे अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ बढ़ रही है। तो इस तरीके से सबके मन में गम है, सबके मन में दुख है। श्रीदेवी को अभी भी लोग भूल नहीं पा रहे हैं कि वो हमारे बीच नहीं रही, लेकिन किसी न किसी तरीके से श्रीदेवी के सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहा है कपूर परिवार, जिंदगी को नॉर्मल बनाने की कोशिश कर रहा है। और इन सब के बीच में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जाह्नवी कपूर, जो बहुत जल्द बॉलीवुड में अपना डेब्यू करेंगे फिल्म धड़क के साथ। इस फिल्म में उनके साथ हैं ईशान खट्टर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बॉलीवुड और टेलीविजन की दुनिया से जुड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फिल्मी बीट को।